हेलो फ्रेंड, आज की स्टूडियो में दिखाने वाले ये डिलक्स गाड़ी का जो है ना गियर बॉक्स है, पूरा बॉक्स है। इसमें इतना पिनियन है, सारा पिनियन है। इसमें 3 नंबर छोड़ने वाला प्रॉब्लम है, तो उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहे। जैसे कि देख पा रहे हैं 3 नंबर गियर छोड़ रहा है, तो उसके लिए हम ये पिनियन चेंज कर रहे हैं। इसलिए ये पिनियन चेंज कर रहे हैं कि ये साइड जो देख पा रहे दाता, ये बहुत छोटा हो गया है। जो दिखाने का कोशिश करेंगे बहुत छोटा हो गया है, तो इसको इस प्रकार से चेंज करना है, जो कि हम चेंज करके दिखाने वाले हैं। फ्रेंड, वीडियो में एंड तक बने रहिए। एक लॉक प्लस का जो मदद से इसको जो ना बाहर करें, आप लॉक प्लस का मदद से इसको इस प्रकार से बाहर कर सकते हैं। उनके बाद ये पिनियन आपको इस प्रकार से बाहर कर लेना है। उनके बाद आपको पिनियन मिला के तब लगाना है। आप जब भी इसको लगाए तो इसको गिनती कर ले। इसका 29 दांत है, टोटल 29 टीथ है। और इसका जो ये पिनियन का जो ये घाट है, जो जैसे कि दिखाने की कोशिश करेंगे, देखिए कितना कट गया है, बहुत ज़्यादा कट गया, जिसके कारण कि 3 नंबर गियर पकड़ता नहीं, बिल्कुल छोड़ देता है। और आपके साथ भी अगर ये प्रॉब्लम है तो ये पिनियन चेंज कर दे और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसको इस प्रकार से फिट करना है, जिसके दिखाने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से जो बड़ा वाला साइड है, 3 खुट्टी बड़ा खुट्टी है, तो आपको इस प्रकार से अंदर डाल देना है। इसमें एक सिर्फ लॉक रहता है। इसमें वासर का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं कि कभी भी वासर अगर यदि हम डालेंगे तो ये वासर जैसे डालेंगे तो वासर जो कभी भी ऐसा टेपर हो जाएगा और पिनियन को जाने नहीं देगा, तो इसलिए इसमें वासर का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ पिनियन का इस्तेमाल करते हैं। ताकि ये जो पिनियन है, गियर पिनियन, ये गियर जो है ना ऊपर नीचे जो ना मूव करते रहता है, इसलिए इसमें वासर का इस्तेमाल नहीं करते हम लोग। इसमें सिर्फ एक लॉक डाला हुआ, नीचे एक मोटा वासर डाला हुआ, उसमें ऊपर एक लॉक डाले हैं। उनके बाद इसकी पिनियन को डाल देना, ये बड़ा साइड ऊपर डालना है, ये साइड डाल दिए हैं। उनके बाद आपको इस प्रकार से एक लॉक बैठा देना है। इस प्रकार से आप इसमें असेंबल कर दें। जैसे कि फ्रेंड देख पा रहे हैं, ये लग जाने के बाद आपको एक क्लिक साउंड आएगा, जैसे कि अभी। उनके बाद फिर आपको घुमा के चेक भी कर लेना है। अगर यदि आपको लग गया होगा तो ये घुमा के देख लें। और उनके बाद जैसे आपको लगेगा ये लॉक, उनके बाद एक क्लिक से साउंड आएगा, इसके मूव करेगा। और अगर वासर रहता है इसके बीच में तो ये मूव करने में दिक्कत करता है, इसलिए आपको एक इसका ऊपर वासर देना है, मोटा वासर। इसमें आप जब भी खोले तो आप घबराए नहीं, इसलिए कि इसमें जो छोटा वासर जाएगा नहीं, छोटा नहीं वासर जाएगा, ना ही लॉक जाएगा, जो मोटा है मोटा ही जाएगा। और पिनियन भी जो ना मोटा साफ्ट का मोटा पिनियन होता है, कितना कोशिश कर लेंगे पतला पिनियन जाने का, इसे दिखाने की कोशिश करेंगे। ये पतला साफ्ट का पिनियन है, कितना कोशिश करके भी आप इसको घुसा नहीं सकती। पूरा पतला साफ्ट का पिनियन को आप नहीं डाल सकते, इसको साइड कर देंगे। जैसे ये हम डाल दिए और ये वाला चेंज किए, इसको एक साइड कर दें। उनके बाद इसके अंदर हमको डालना है, जो कि इस प्रकार से एक लॉक वासर डाल दिया हम। ये पिनियन डालने के बाद लॉक डालना है, लॉक डालने का ऊपर एक वासर डाल देना है। इनका ऊपर में आपको ये पिनियन बैठाना है, जो कि 26 दांत का है। आपको इस प्रकार से बैठाना है कि जैसे यहाँ 3 घाट हैं तो इधर घाट वाला ही बैठेगा, अगर प्लेन लगा देंगे तो आपको नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से लगाए ताकि इधर अंदर जो ना लॉक फंसे। और वासर इसलिए देते हैं कि ये जो ना इजी मूव हो। उनका ऊपर में आपको फिर एक वासर देना होगा, जो मोटा करके वासर होगा। इस प्रकार से एक वासर इसलिए देना है कि आपको फ्री घूमे, ये अटके इधर उधर ना अटके। उनके बाद आपको एक पिनियन डालना होगा, इसमें उल्टा सीधा नहीं होता है, आप कोनो साइड कोई भी साइड से डाल सकते हैं। तो आप जो ना इस प्रकार से इसको डाल दें, जैसे कि जब डालें तो इसको चेक कर लीजिए, बराबर हो जाना चाहिए। अगर बराबर नहीं आ रहा तो आप वासर में और फिर कर रहे हैं, वासर जैसे हम वीडियो में बताए ऐसे आप भी डालें, यहाँ बराबर जैसे आ गया मेरा। उनका बाद आपको इस प्रकार से इसके ऊपर एक बूश डालना है, जो कि इस प्रकार होता है, इसमें भी उल्टा सीधा नहीं है, आप कोई भी साइड से डाल सकते हैं। और इसके ऊपर एक वासर है जो कि लॉक किया हुआ है, ये वासर नहीं निकलता है इसलिए कि इसमें लॉक किया हुआ है वासर है। इस बूश को बैठा दें। उनका बाद इस पिनियन को जब भी लगाए तो अब ये हॉल जो देख रहे हैं ज़्यादा गड्ढा है, इस प्रकार से नहीं जाए, जो उठा हुआ गड्ढा है वो आप जो ना ऊपर इस प्रकार से डाल दें ताकि ये लॉक लग जाए। इस प्रकार से आप इसको डाल सकते हैं। इसमें एक वासर डाल देंगे, जो कि मोटा करके वासर है, इस प्रकार से चल जाएगा बैरिंग के ऊपर। इस प्रकार से आप एक बॉक्स क्लियर कर सकते हैं। गियर शाफ्ट जो आउटपुट शाफ्ट था वो क्लियर हो गया है। आपको इनपुट शाफ्ट दिखाने वाले हैं, जो कि इसमें एक छोटा दाता लगा हुआ रहता है। उनका बाद
ये दूसरा दत्ता लगा हुआ रहता है, ये भी लॉक किया हुआ है, ये भी जो देख रहे हैं ऊपर नीचे हो रहा है, इसमें भी कोई वासर नहीं डाला है, नहीं यहाँ पे वासर है, सिर्फ लॉक डाला गया है। आपको इसके ऊपर लेकिन एक वासर डालना होगा, क्योंकि पतला करके वासर डालना है, जो हम डाल के दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि फ्रंट दिखाने की कोशिश करेंगे, ये लॉक लग गया है, आप भी इस प्रकार से लॉक बैठा ले। ओके, जैसे कि फ्रेंड ये वासर हम यहाँ पे बैठा दिए हैं, ये वासर आके बैठ गया है, इस प्रकार से आप भी बैठा दें। उनके बाद आपको एक पिनियन लगाना होगा, इस पिनियन को इस प्रकार से बैठाइए, जो कटा हुआ भाग देख रहे हैं ये छेदा किया हुआ, तो आपको जो ना ये तीनों खुट्टी में आके फंसाना है, ना कि उल्टा लगा दें, और उल्टा लगा देंगे तो ये फंसेगा ही नहीं, तो आपको इस प्रकार से इसमें फिट कर देना है। अब बच गया आपको एक वासर, ये इधर ऊपर में एक वासर दे देना है, एक वासर इधर दे दिए, एक वासर इधर दे दिए, इस प्रकार से आप ऐसे करके आप गियर बॉक्स बैठा सकते हैं। और जब भी बैठा है तो ये गियर फ्रॉग इस प्रकार से बैठाना है आपको। ये जो न्यूट्रल पत्ती देख रहे हैं, आपको ये भी नीचे देना है, 10 mm का नट इसमें टाइट होता है। और ये जो देखते हैं इस पॉकेट, ये चैन पॉकेट लगेगा, आपको इस प्रकार से बैठाना है, बैठाने का दिखाने वाले हैं। इस प्रकार से आप बैठा सकते हैं, ये जो ऊपर वाला है तो ऊपर में आ जाता है, और ये नीचे वाला नीचे चल जाता है, इस प्रकार से आप बैठा सकते हैं। वीडियो पसंद, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर दीजिए। जाएंगे बड़ा